31 मार्च से पहले कर लें ये काम, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान। इस वीडियो में हम एक एक करके आसान भाषा में आपको बताएंगे कि आपको अपने पैसे बचाने के लिए 31 मार्च 2024 तक क्या क्या करना है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 खत्म होने वाला है। 31 मार्च 2024 ना सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के खत्म होने का आखिरी दिन है, बल्कि ये डेट इन्वेस्टमेंट, टैक्स फाइलिंग, टैक्स सेविंग जैसे सभी पर्सनल फाइनेंस से जुड़े कामों की डेडलाइन भी है, जिसमें फास्ट टैग, KYC, टैक्स डिडक्शन के लिए TDS फाइलिंग, सर्टिफिकेट, टैक्स सेविंग, ITR जैसे काम शामिल हैं। करंट फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ चल रहा है। इस महीने फाइनेंस से जुड़े कई काम हैं जिनकी डेडलाइन काफी क्लोज आ रही है। किसी भी तरह की परेशानी या नुकसान से बचने के लिए इन जरूरी कामों को 31 मार्च 2024 से पहले पूरा करना काफी जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं 2021-22 के पेंडिंग कामों से। असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2024 है। इस डेडलाइन का यूज वो टैक्स पेयर्स कर सकते हैं जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए अपना रिटर्न फाइल नहीं किया था, या अनजाने में अपनी किसी भी इनकम की रिपोर्ट करने से चूक गए, या पहले अप्लाई करते समय गलत इनकम डिटेल दी थी। इसके अलावा टैक्स पेयर्स को कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग असेसमेंट ईयर के एंड से 24 महीने यानी कि 2 साल के विधिन अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की सुविधा है। ऐसे में जिन टैक्स पेयर्स ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए अप्लाई नहीं किया है, उनके पास अभी भी 31 मार्च 2024 तक अप्लाई करने का मौका है। अगर आपने पुरानी टैक्स रिजीम का ऑप्शन चुना है और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए टैक्स छूट का फायदा लेने के लिए किसी पॉलिसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन चुनने की लास्ट डेट 31 मार्च 2024 है। इस तारीख से पहले इन्वेस्टमेंट कर आप टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। इनकम टैक्स सेक्शन 80C के तहत पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि PPF, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी कि ELSS और टर्म डिपॉजिट जैसी कई सारी टैक्स बचाने की स्कीम है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस, बीमा प्रीमियम, एजुकेशन लोन और होम लोन जैसे खर्च को भी कुछ ऑप्शंस के तौर पर आप कंसिडर कर सकते हैं। आपको बता दें कि PPF या सुकन्या समृद्धि योजना जैसी सरकारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स में सालाना 500 रुपये या 250 रुपये के मिनिमम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। अगर आप किसी फाइनेंशियल ईयर में ये मिनिमम डिपॉजिट जमा करने से चूक गए हैं और आपके अकाउंट को डिफॉल्ट के रूप में मार्क किया जा सकता है, ऐसे में इन अकाउंट को चालू करने के लिए फाइन भी लगाया जा सकता है। इसलिए अगर आपने ऐसी किसी भी स्कीम में पहले से ही इन्वेस्टमेंट किया है लेकिन करंट फाइनेंशियल ईयर के दौरान इसमें मिनिमम बैलेंस आप नहीं मेंटेन कर पाए हैं, तो आपके पास एक आखिरी मौका है। जी हाँ, डिफॉल्ट या फाइन भरने से बचने के लिए 31 मार्च 2024 तक का समय है। वैसे जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दें कि PPF सरकार का एक सेफ प्लान है। इसमें 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, 7 साल बाद आप आंशिक रूप से पैसे निकाल सकते हैं। करेंटली PPF पर लगभग 8% का इंटरेस्ट मिलता है। वैसे आप ELSS के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 31 मार्च से पहले ये भी टैक्स सेविंग का एक अच्छा और आसान तरीका है। जिन्हें नहीं पता है उन्हें हम बता दें कि ELSS उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो थोड़ा रिस्क लेकर एक अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं। ELSS फंड शेयर बाजार से जुड़ा होता है, इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। इन सभी ऑप्शंस में आप 1.5 लाख तक के अमाउंट पर टैक्स कटौती का फायदा उठा सकते हैं। टैक्स पेयर्स को 31 मार्च 2024 से पहले TDS सर्टिफिकेट जारी करना होगा। उन्हें अलग अलग धारा के अंडर काटे गए टैक्स डिडक्शन के बारे में डिटेल देनी होगी। इसके अलावा 31 मार्च से पहले फाइलिंग चालान स्टेटमेंट भी देना जरूरी होगा। बहुत कम टैक्स पेयर्स इस बात को जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद पर भी आप टैक्स बचा सकते हैं। जी हाँ, सेक्शन 80EEB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पर लिए गए लोन के ब्याज का भुगतान पर मैक्सिमम 1.5 लाख तक के क्लेम का दावा कर सकते हैं। ये तो हो गए टैक्स बचाने के लिए अलग अलग डिक्लेरेशन जो आपको 31 मार्च से पहले देने हैं।
अब आते हैं एडवांस टैक्स पेमेंट पर। ये उन सभी टैक्स पेयर्स के लिए लागू होता है जिनकी एनुअल टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए एडवांस टैक्स की चौथी किस्त के भुगतान की समय सीमा 15 मार्च 2024 थी, लेकिन अगर आप इस डेट पर चूक गए हैं तो अब देर से भुगतान पर इंटरेस्ट लगेगा और साथ ही अब ड्यू अमाउंट का पेमेंट 31 मार्च 2024 से पहले करना होगा। सभी सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए ये भी जरूरी है कि वो फाइनेंशियल ईयर के एंड से पहले अपने एम्प्लॉयर को फॉर्म 12BB जमा कर दें। ये फॉर्म आपके अपने निवेश और खर्चे पर टैक्स बेनिफिट उठाने में मदद करता है। इससे आप HRA, LTC और होम लोन इंटरेस्ट पेमेंट एटसेट्रा भी इंक्लूड कर सकते हैं। कंपनी इस जानकारी को यूज करके आपके सैलरी से कटे जाने वाले TDS की राशि को कम कर सकती है। अगर आप फास्टैग यूजर है तो ये अगला पॉइंट आपके लिए है। हाल ही में फास्टैग यूजर्स की प्रॉब्लम्स को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने फास्टैग KYC डिटेल अपडेट करने की डेडलाइन 29 फरवरी से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दी है। वैसे बताने के लिए तो अभी भी काफी चीजें हैं, लेकिन क्योंकि अब वक्त काफी कम है तो इसीलिए आप जल्द से जल्द इन कामों को निपटाएं, और अगर कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं स्विच।